अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने यहाँ पर बनाया है ज़बरदस्त सा माउथ फ्रेशनर। इजीली आप अपने घर में बना सकते हैं और इसको आराम से अपने पर्स में, अपने घर में रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। और हमने इसमें कोई चीनी भी नहीं यूज़ नहीं करी है, कोई शुगर, कोई गुड़ वगैरह यूज़ नहीं करा, तो आपके लिए बहुत हेल्दी वे में बनाया है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास सौफ है 100 ग्राम्स, फेनल सीड्स 100 ग्राम। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास ये धनिया गिरी है, ये भी हमने 100 ग्राम्स लिए है और ये किसी भी पान शॉप से या किसी शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है, ये भी हमने 100 ग्राम्स लिए। इसी के साथ हमने लिए है यहाँ पर कोकोनट खोपरा, ये मैंने थोड़ी देर पानी में सोक करा एंड देन इसको मैंने कट करा है छोटा छोटा। ठीक है, इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर वगैरह निकल जाए, और ये जिनको बैक पेन्स वगैरह होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये हमारे पास है छुहारा, इसको भी मैंने पानी में सोक करा था और इसको छोटा छोटा हमने कट कर लिया है, और इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी छालिया यूज़ करी है रॉ। ठीक है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर बच्चे बच्चे खा रहे हैं या तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये थोड़ी सी डाल सकते हैं। क्वार्टर कप से भी कम हमने यहाँ पर थोड़ी छालिया यूज़ करी है। इसी के साथ ये हमने करी लीव्स यूज़ करे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा आपके उसमें माउथ फ्रेशनर में और अच्छी सी स्मेल आएगी आपके मुंह से। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैंने धनिया गिरी डाली है, इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता हुआ आएगा। और हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है, बहुत लो फ्लेम पे आपको कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। मिक्स 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 करें, इसका थोड़ा सा कलर देखें चेंज होता हुआ आ गया, तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देन हम इसमें सौफ डालेंगे, इसको भी अच्छा सा रोस्ट करेंगे, इसकी अच्छी सी कलर इतना चेंज नहीं होगा, अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी, तो इसका मतलब है ये रोस्ट हो गया है। इसको भी हम निकाल लेंगे और सब चीज़ें हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे कुछ नहीं रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, अब हम इसमें कोकोनट डालेंगे और कोकोनट डालेंगे और इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे और इसका टोटल कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा रेडिश सा टोन भी आ जाएगा, तो समझे ये आपका डन हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये देखें, इसका कलर देखें, इस टाइप का चेंज हो जाएगा और ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कोकोनट हो गया। इसके बाद हम इसमें ये देखें, अब हम इसमें छुहारे डालेंगे, इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे और मिक्स करेंगे, ये भी थोड़े क्रंची से होते हुए आ जाएंगे। और हम इसको भी ये देखें, थोड़ा सा ड्राई हो गया, बिल्कुल क्रंची से हो गए, सॉफ्ट नहीं रहे, तो हम इसको निकाल लेंगे। और अब हम थोड़ी सी छालिया रोस्ट करके हमने इसको भी निकाल लिया। अब हम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें करी लीव्स को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये मैंने डाले करी लीव्स, ये उड़ गए थे, बहुत छींटे आई। ठीक है, ये मैंने फ्राई कर लिया, इसको आप टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल वगैरह निकल जाए और ये इस तरह से क्रंची से हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी हो गई। अब हमें खाली बाउल लेंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम, सौफ, धनिया गिरी और जो हमने यहाँ पर छुहारे रोस्ट करे थे, वो कोकोनट हमने रोस्ट करा था, वो सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और ये छालिया हमने डाल दी, ये कोकोनट डाल दिया, और हमने जो करी लीव्स फ्राई करे थे उसको हल्के से हाथ से क्रंच करा और इसको इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इससे अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और बहुत अच्छा सा स्मेल भी आएगी। और ये देखें, मेडिकल इंग्रेडिएंट्स तो मैं भूल ही गई थी, इसमें हमने इलायची पाउडर डालना है 2 क्वार्टर टीस्पून। ठीक है, ये 2 क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें ऐड करें या हाफ टी स्पून आप ऐड कर दीजिए, इससे बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी आपके मुंह में। और ये देखें, ज़बरदस्त सा आपका माउथ फ्रेशनर रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करें और किसी भी एम्प्टी बॉटल में आप भर के इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन एयर टाइट जार हो। ये देखें क्या लुक आया है, ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है आपके इसमें। ये मैंने किसी बॉटल में एयर टाइट जार में भर के इसको आप लॉन्ग टाइम रख सकते हैं। ठीक है, और छोटे से ऐसे बॉक्स में मैं ऐसे पर्स में कैरी करती हूँ, अपने पर्स में भी आप कैरी कर सकते हैं। ये देखें, ये माउथ फ्रेशनर मुखवास आपका रेडी है। आपको मेरी रेमेडीज और रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।